टोहाना से जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह द्वारा सिखों की तस्वीर गुरु गोविंद सिंह की तुलना सिरसा डेरा प्रमुख से करने पर भड़का सिख समुदाय। कार्रवाई को लेकर सिख समुदायों के लोगों ने सड़कों पर रोष मार्च निकाला। वहीं मांगे न मानने पर सिख समुदाय जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जूतों से स्वागत किया और काले झंडे दिखाए। अज प्रदर्शन का मेन कारण यह जी निशान सिंह टोहाने तो जी जो पहला चौटाले पार्टी चो एम एल ए सी हूँ प्रदेश अध्यक्ष जे जी पी पार्टी च ने जी हरियाणे ते जी ये अपना निर्मल सिंह नूं नाल लैके सरसे डेरे ते जी वोटा मंगण वास्ते गए सी जी पिछले एक दो दिन पहला जी। उन्होंने उत्थे जाके सारे धर्मां दे जिन्ने भी अपने गुरु है ने जी उन्हां दी तुलना सरसे नाल कीती। सिख धर्म के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की तुलना उस सरसे वाले साध वाले बलात्कारी नाल कीती जी जिंदे करके सिख धर्म के जिन्हें भी अपने सिख धर्म नूं बिलोंग करदे आ जां दूजे धर्म वाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਗਹਿਰੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਦਸੰਤ ਸਿੰਘ ਚੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜੀ ਇਹ ਅਤੇ 295 ਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। समुदाय के लोगों ने किशोर चौटाला से मांग की है कि उनके खिलाफ 275 के तहत पर्चा दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि निशान सिंह को अकाल तख्त साहिब में पेश होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वह पूरे सिख समाज को जननायक जनता पार्टी को वोट न देने की अपील भी करें। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए भूला चिका से राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।